कल फ्रेंड्स बाजार गए थे मार्केट को शॉपिंग करने, वहां पे मिर्चे बहुत अच्छी मिल रही थी तो ले आए मिर्चे। सोचा मिर्चे की अचार बनाते हैं, तो ये क्योंकि मिर्चे का अचार हमारे यहाँ सबको बहुत पसंद है, खासतौर से हमारे बेटे को तो बहुत ही पसंद है मिर्चे का अचार, तो इसको आज भरुआ अचार बनाते हैं। तो फ्रेंड्स आपके साथ शेयर करेंगे कि अचार की रेसिपी कैसी होती है, कैसे बनाते हैं, तो आज आपके साथ चलिए इसी में थोड़ा सा वक्त गुजारते हैं अचार बना के ही, और उसके बाद एक जगह मैरिज में जाना है फिर वहां चले जाएंगे। तो आइए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। से लेके आए हैं लाल मिर्च, आपको दिखाई थी लाल मिर्च, मैंने साफ करके उसको बहुत अच्छी से रख दी है। अब उसके लिए हम यहाँ पे मसाला भून रहे हैं। ये हमारी धनिया है, इसको हमने तकरीबन 250 ग्राम धनिया ली है, इसको बहुत धीमे धीमे आंच पे बहुत अच्छे से हम प्रॉपर इसको। आज एक जगह शादी में भी जाना है जो बहुत जरूरी है, गाँव में दोपहर में शादी है, बस एक जाना है 10-15 मिनट के लिए, तो मैंने सोचा कि लो पहले अपना सुबह में ये काम निपटा लूं। मसाले मेरे तैयार होके रखे रहेंगे तो इसको रात में ग्राइंड कर लेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट डे या जब टाइम मिलेगा मिर्चों में भर देंगे। तो अभी तो ये मसाला हम पीसते हैं, उसके बाद देखते हैं कहीं चलते हैं, कहीं क्या वही शादी में जाना है, गाँव में ही एक है रिश्तेदार, उन्हीं यहाँ शादी है, तो बस फिर यही सब है हमारा। और फ्रेंड्स आप बताइएगा कि आपको हमारा पहले व्लॉग अच्छा लगता था या अब ये जो कुकिंग के साथ व्लॉगिंग कर रहे हैं ये अच्छा लग रहा है, आप इसको फिर जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका ही जो वो होता है, आप जो हमको बताते हैं जैसा सजेस्ट करते हैं हम वैसे ही करेंगे, क्योंकि हम तो भाई कोई इतना ज्यादा कुछ पता यूट्यूब के और इसमें कैसे कंटेंट होते हैं इसके बारे में तो पता नहीं है। जो घर में काम करते हैं, मेरी जो डेली रूटीन होती है उसी को आपके साथ हम शेयर करते हैं। उम्मीद है आपको बहुत ही पसंद आता होगा और प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें चैनल को, ऐसा नहीं है कि देख करके चले जाया करें। तो अभी ये मसाला हमारा भुन जा रहा है, ये अभी सौंफ है, ये थोड़ी सी भुन गई है, भुनने के बाद इसमें थोड़ा सा मंगरेल और अजवाइन वो भी भूनेंगे, भून के रख देंगे, फिर जब ग्राइंड करेंगे वो भी आपको दिखाएंगे। ये अजवाइन है, ये जो मिर्चे के बीज निकाले हैं ये वो बीज हैं, इसको पूरा ले लेना है। और इसमें नमक पड़ेगा तकरीबन 4 चम्मच, खाना जो बनता है खाने से ज्यादा नमक होता है अचार में। ये हो गया नमक, और इसका एक सबसे मेन पार्ट है वो है पिसी खटाई जो कि अभी हम डालते हैं, और ये है पिसी खटाई, पिसी खटाई डालते हैं और इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसमें अब डालेंगे सरसों का तेल, सरसों के तेल में अचार बहुत अच्छा बनता है, थोड़ा सा डालेंगे बस, ये मसाला बिल्कुल मिक्स हो जाए उसमें, इतना तेल पड़ेगा। आज फ्रेंड चलते हैं मिर्चे का अचार जो मैंने मसाला वसाला भून के रखा था सब उसको बनाते हैं, इसको साफ करते हैं, देखते हैं कैसे साफ हो लिया, इसको ऐसे 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 मला वो अच्छा, इसको लूज किया, उसके बाद एक चम्मच से इसके ऐसे ये ऐसे ऐसे एक एक तेज चम्मच होता है उसी से ऐसे करें
तो ये पूरा बहुत अच्छा सा अभी दिखाते हैं आपको, ये देखिए, ये पूरा ऐसे निकल आता है। उसके बाद आप इसका बीज झाड़ दो, ऐसे आराम आराम से ऐसे ऐसे इसको फिल कर देते हैं पूरा। ये खूब अच्छा ऐसे अंदर पेंसिल ले लीजिए या पेन ले लीजिए, कोई लकड़ी ले लीजिए, नहीं तो आपके पास जो चम्मच है उसी चम्मच के सहारे इसको ऐसे ऐसे पूरा ये अंदर मसाला वो अच्छे से फिल कर देते हैं भर के। ये इसको फ्रेंड्स ये देखें, ये इस तरह से ये देखें मिर्चे का अचार बनके मेरा तैयार हो गया है फ्रेंड्स। अब इसको हम लोग साल भर तक आराम से खाएंगे। ये हमारा मिर्चे का अचार बहुत ही टैंगी, बहुत ही खुशबूदार, इतनी खुशबू इसमें आ रही है कि पूरे ये फ्रेंड्स इसको ये डिब्बे में जिसमें हमको रखना है इसमें थोड़ा सा एक स्मोकी फ्लेवर दे देते हैं। तो इसको एक एक अचार अपना इसमें तेल में डुबा डुबा के हम अपने इसमें रखते हैं डिब्बे में, ये पूरा अचार एक एक अपने तेल में इस तरह से तेल अंदर तक इसके चला भी जाएगा। ये देखें ये ऐसे, और बहुत ज़्यादा डिब्बे में तेल भी नहीं होगा। इसको एक एक अचार डुबा डुबा के आराम आराम से रख देते हैं। अब इसमें थोड़ा सा तेल ऊपर से डालते हैं जिसमें ये खराब ना हो। जब ये तेल पड़ा रहता है फ्रेंड्स तो इसको खराब होने के चांसेस कम होते हैं। तो इसमें ये एक कटोरी तेल डाल दिया फ्रेंड्स। ये हमारा अचार बनके तैयार हो गया है। ये देखें ये मैंने पूरा अचार भर लिया है। ये तकरीबन 1 किलो अचार में इतना अचार तैयार हुआ है। ये इतनी अच्छी खुशबुएं आ रही हैं, पूरा घर खुशबू खुशबू कर रहा है, अचार से महक रहा है। इतनी अच्छी इतना बढ़िया टैंगी फ्लेवर इसका बना है। अब इसको जार में रख देंगे, इसमें थोड़ा सा तेल डाल देंगे सरसों का, और ये इसको धूप में रख देंगे तकरीबन 10-15 दिन के लिए ये मैच्योर होगा। जैसे जैसे ये पकेगा वैसे वैसे इसकी खुशबुएं और बढ़िया होगी और इसमें टेस्ट और इन्हेंस होगा और अच्छा होगा। और उम्मीद है फ्रेंड्स आपको हमारी ये अचार बनाने की रेसिपी और ये मेथड जो हमारा है ये अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट रेसिपी और नेक्स्ट व्लॉग के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।